गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी आर एट मुद विलेज इन पिन वैली और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है पिन नदी। और कल हम लोग मुद विलेज आए अराउंड 7 o'clock इन द इवनिंग। हम लोग धनकर मॉनेस्ट्री, धनकर फोर्ट हम लोग देख के उसके बाद आए। गाइज, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनकर मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत एक एंशियंट मॉनेस्ट्री है और ये एक फोर्ट पे बनी हुई है। और ये जो मॉनेस्ट्री है, यहाँ से जो व्यू आपको दिखेगी ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पिति और पिन नदी है, और इसके वजह से दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर सेटिंग ऑफ अ गोम्पा। इस मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत सारे केव्स है जहाँ आप बैठ के मेडिटेट कर सकते हो। और ये जो फोर्ट है ये धीरे धीरे इरोड हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड्स ने इसको 100 मोस्ट एंडेंजर्ड साइट्स इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया है। आपका नाम क्या है? डोलमा। हाय डोलमा दीदी। There are few people whom we come across maybe once in our lifetime, but their memory remain with us forever. This is Dolma Didi, a person full of warmth, love and positivity, whom I met while strolling on the streets of Dhankar. Main aayi hu Dolma Didi ke ghar. She's so sweet. She invited me to her home. I'm just wondering, had it been a city, I would have never dared to follow someone randomly to their home. But here I am, exploring a Spiti home. ये नीचे क्या है? नीचे स्टोर रूम जैसा है क्या कुछ? वो गर्मी सर्दी में हाँ हाँ देखना है ना। ओ अच्छा, तो आप लोग अंदर चले जाते हैं। नीचे ये है दीदी का किचन। दीदी ने मुझे चाय पिलाया गरम गरम। दीदी कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो मैं रिटर्न कर रही हूँ अभी। दीदी थैंक यू सो मच, इतना वार्म वेलकम। एज आई एम लिविंग धनकर, आई एम टेकिंग अलॉन्ग अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद दिस वंडरफुल पर्सन। देर वॉज समथिंग सो स्पेशल अबाउट डोलमा दीदी दैट आई कांट एक्सप्रेस। धनकर विल ऑलवेज बी डोलमा दीदी फॉर मी। टुडे वील बी एक्सप्लोरिंग द विलेज एंड वील बी हेडिंग टूवर्ड्स किब्बर। तो ये हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे सोनम तारा होटल जो है वहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स ये सोनम तारा इनका ही है। चलिए इनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। आई हैव विद मी कुंजन भाई, एंड सो आपका ये होम स्टे है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लाइक सोनम जी के? मैं सोनम जी का बेटा हूँ और हम लोग तारा होम स्टे को मोर देन वन डिकेड 13-14 इयर्स से रन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे इनका लाइक फैसिलिटीज एंड ऑल, वेरी कोजी स्टे। और यहाँ पे मतलब इस आफ्टर कोविड तो ओनली इंडियन टूरिस्ट आ रहे हैं, नहीं तो बहुत से फॉरनर्स भी आते हैं। और हमारे पास मतलब बहुत से बैक क्लाइंट्स आते हैं, रेफरेंसेस, पीपल लव टू स्टे इन तारा गेस्ट हाउस। एंड यहाँ ये विलेज कितना, मतलब हाउ इज, हाउ मच इज द पॉपुलेशन हियर? पॉपुलेशन अराउंड 300। ओके। और यहाँ पे है कोई 45 फैमिलीज हैं। ओके। एंड यहाँ से और क्या क्या होता है लाइक फ्रॉम यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ से मतलब एक तो है जैसे 2-3 ट्रैकिंग रूट है मतलब जो बहुत पॉपुलर है। एक तो है पिन बाबा पास है जो पिन वैली से किन्नौर वैली के लिए जाता है। दूसरा है पिन पार्वती पास जो यहाँ से शुरू होकर अपना ये बर्शानी मणिकरण खत्म होता है ट्रैकिंग। और दूसरा यहाँ पे एक और ट्रैकिंग है लारंगला पास,
किलुंगला पास भी बोलते हैं जो पिन वैली नेशनल पार्क के लिए जाता है। और बहुत से यहाँ पे लोग जैसे वन नाइट के लिए स्टे के लिए आते हैं, टू नाइट्स के लिए, डे ट्रिप्स के लिए बहुत से लोग आते हैं, और ट्रैकिंग के लिए तो बहुत लोग आते हैं। बेसिकली मुद विलेज इज द बेस पॉइंट है ना, बेस पॉइंट फॉर आल्सो फॉर ट्रैकिंग। वैसे तो बहुत अच्छा लगा, बस वही कि थोड़ा नेटवर्क का इशू है। यहाँ पे नेटवर्क का इशू है थोड़ा। कितने टाइम मतलब आते वक्त कहाँ तक नेटवर्क रहता है? यहाँ से 4-5 किलोमीटर के बाद BSNL का नेटवर्क होता है। और पिन वैली में ओनली BSNL ही है, बट यहाँ पे हमारे गांव में कोई फैसिलिटीज नहीं है, बट यहाँ से 4-5 किलोमीटर के बाद हमें BSNL का नेटवर्क आता है। और ये जैसे मुद विलेज इट रिमेन्स ओपन अराउंड द ईयर विंटर में, इट्स डिपेंड ऑन स्नोफॉल ना, तो मतलब वैसे तो नवंबर दिसंबर में फर्स्ट स्नोफॉल अगर हैवी हो तो फिर मतलब बंद रहता है। सारा डिपेंड करता है स्नोफॉल कितना होता है। लास्ट ईयर तो जनवरी फरवरी में भी रोड खुला था, क्योंकि नॉर्थ में हिमालय में बर्फ़ बहुत कम पड़ा था लास्ट ईयर। जब ज़्यादा बर्फ़ होगा तो फिर यहाँ पे जो रोड है जनवरी में बंद होकर दिसंबर में बंद होने के बाद अप्रैल में ही खुलता रोड। और मैक्सिमम टूरिस्ट कब आते हैं? मैक्सिमम जो टूरिस्ट आता है वो मतलब अप्रैल से शुरू होता है, मई जून पीक सीजन रहता है। ओके। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 20 तक आते हैं। वैसे तो थोड़े थोड़े लोग तो जब तक रोड बंद नहीं होता है तब तक आते हैं। आते हैं। बट जो 20 अक्टूबर के बाद फिर थोड़ा ठंडा बढ़ जाता है तो कम लोग आते हैं। गर्मी में दूसरा पिन वैली की स्पेशल ये कि बहुत हरियाली है यहाँ पे। अदर पार्ट ऑफ स्पीति से ये जो एरिया है ना बहुत ग्रीन है। थैंक यू सो मच।